एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोले जहां हम कहते हैं न चाहते हुए भी, जैसे न चाहते हुए भी मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूं, न चाहते हुए भी वह शराब पीता है, न चाहते हुए भी मुझे उसे पीटना पड़ता है, न चाहते हुए भी मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं न चाहते हुए या न चाहते हुए भी को बोलने के लिए आप इस वर्ड का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। अगर आपको कहना हो न चाहते हुए भी मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अनविलिंगली आई एम यूजिंग सोशल मीडिया, यानी न चाहते हुए भी मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको कहना हो न चाहते हुए भी मुझे वह करना पड़ता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अनविलिंगली आई हैव टू डू दैट, यानी न चाहते हुए भी मुझे वह काम करना पड़ता है। अगर आपको कहना हो न चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अनविलिंगली आई हैड टू गो देयर। अगर आपको कहना हो न चाहते हुए भी मैंने आपको रुला दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अनविलिंगली आई मेड यू वीप, यानी न चाहते हुए भी मैंने आपको रुला दिया। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप सोचे ये सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट हुआ कि मैंने आपको रुला दिया। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा ये है कॉजेटिव सेंटेंसेस, और यह टॉपिक मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। अगर आप कॉजेटिव सेंटेंसेस के बारे में नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को मैंने आई के सिंबल में रखा है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको कहना हो न चाहते हुए भी मैंने उसे पिटवा दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अनविलिंगली आई मेड हिम बीट, यानी न चाहते हुए भी मैंने उसे पिटवा दिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि अनविलिंगली क्या है। अगर वाकई आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया, तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।